आज के सीन ये है कि तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा मुबशिर भाई जो कि ये रहा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो मुबशिर भाई थे हमारे साथ, उनकी पहली वीडियो, तीन प्रीवियस वीडियो में तुम देखो, इससे पीछे वाली दिन पहले दिन पता लग जाएगा पांडा चढ़ा, चुलबुल पांडे चढ़ा, पहले दिन पाँव पर फ्रैक्चर हुआ, हमें पता नहीं चला। अगले दिन हम एक्सरे कराने गए, वो भी वीडियो है, वो भी जाकर देखो। अब हम क्या कराने जा रहे भाई? अब हम कराने जा रहे हैं प्लास्टर, ठीक है, और हमारे हाथ में आए आइस पॉप, ठीक है, और लाल भाई इंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। गर्मी बहुत है, शाम के 4:30-5 बजे हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं क्या सीन है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही लगी है चोट पैर पे। अल्लाह पाक रहम करेगा, अल्लाह खैर करे, ठीक है। दूसरा, मैं ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, इधर उधर कंट्री जाते रहता हूँ, यानी कि दुबई जाते रहता हूँ। मेरा दुबई में बेसिकली काम है, तो मुझे टेंशन हो रही है कि मैं चलूँगा कैसे, होगा तो जाहिर सी बात है दुबई का एयरपोर्ट भी बड़ा होता है, चलना वाला पड़ता है। ये तो अली भाई के भाई बताएंगे, कौन से वाले भाई? हमजा भाई, वो अभी है दुबई में, वो ही बता सकते हैं इनको दुबई एयरपोर्ट कितना बड़ा है। जो बाकी जो ब्लॉग देख रहे हैं, जो दुबई विजिट कर चुके हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है। जो बात, हमें रोक लिया गया, अभी हमें रोक लिया गया रेंजर्स वाले। हाँ जी, तो भाई भाई आपने देखा, मेरे रेंजर्स वाले ने रोका और उन्होंने बोला कि कैप्टन का पैकेट ला दो, और उन्होंने हमें 100 रुपये दिए। दिखाओ भाई, 100 रुपये, 100 रुपये दिए, बोले कैप्टन का पैकेट लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैप्शन का पैकेट मैंने ले लिया है, दिखाए जरा। तो ले लिया। हम रेंजर्स वालों को देखेंगे, एक ये जानवर जा रहा है शो वाला। गाइस, हम लोग आ गए रिसेप्शन पे, यहाँ पे हम अपनी स्लिप बनवाएंगे, और डॉक्टर नसीमा है जो हमारा ट्रीटमेंट करेंगी। नसीम है तो वो हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। फिलहाल हम रिसेप्शन पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे स्लिप वगैरह बनेगी हमारी, तो आप देखते रहें, हमारे साथ ज्वाइन रखें। क्या होता है, क्या नहीं होता, लास्ट टाइम जैसे एक्सरे तुम लोगों को दिखाया वैसे सब कुछ देखें भाई। ये फिलहाल के तौर पे हमें खुआर करा रहे हैं, कभी यहाँ पे भेज रहे हैं, कभी वहाँ पे भेज रहे हैं, अब देखें हमें दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ से कहाँ भेजते हैं। या जिना जाएंगे, जिना जाकर पता लगेगा भाई। यहाँ तो यहाँ पे भी रश है, यहाँ पे ये तो खुआर करा रहे हैं हमें, एक तो रश भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से खुआर भी करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी सीन चल रहे हैं। हाँ भाई, ये बोल रहे हैं कि पहले डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर रिसीप देगा, सही है, पर्ची देंगे, फिर आप अंदर जाएं रिसेप्शन पे, रिसेप्शन वाले को दिखाएं वो पर्ची, फिर वो आपका स्लिप बनाएंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, तो यार आज क्या के सीना, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल सीना जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो रश बहुत था, रात हो जाती, तो हम यहाँ से जाएंगे जिना, लेकिन जिना से हमें रास्ते में पड़ेगा बहुत टॉप 1 पे है ब्लॉगर, जो आप सब जानते हैं, माँ सफदर, ठीक है। उनके भाई हैं शाह सफदर, हुसैन सफदर, ठीक है, जो मशहूर हैं अपना डिसेंट बॉय के नाम से, ठीक है, और एटीट्यूड बॉय के नाम से, हाँ एटीट्यूड बॉय के नाम से मशहूर हैं, और एक डरमांडस मिंडस के नाम से मशहूर हैं। तो उनके घर हमें नज़दीक पड़ेगा रास्ते में, तो हम आपको घर दिखाएंगे, वो आए मिलने नीचे, तो आपको थंबनेल पे उनकी पिक्चर दिख जाएगी, ठीक है, क्लिप भी दिख जाएगी, जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। तो अभी फिर वहाँ पे अगर नहीं आए नीचे मिलते हैं, अगर वहाँ नीचे नहीं आए तो हम उनके घर की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अलाउ नहीं है, और दूसरा अच्छा भी नहीं लगता, हम खुद भी व्लॉगिंग कर रहे हैं कि हमारे घर पे भी कोई ऐसे आए हमसे मिलने, अच्छा लगता है, लेकिन देखे घर की वीडियो बनाकर दिखाया वो नहीं है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। हाँ। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, और जैसे ही अगर वो मिलते हैं तो आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो भाई माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा कि हमने हुसैन सफदर से मिल चुके हैं, जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा, क्योंकि वो हमें वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर मैं आपके साथ बनाऊंगा तो बाकी भी व्लॉगर हैं वो आकर बोलेंगे कि आप तो उनके साथ बनाए, हमारे साथ क्यों नहीं बनाए, इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा तस्वीर खींच सकते हो, तो मैंने
उन्होंने बोला है अगर जैसे मैं आपके पीछे मिल गया, चलते चलते कहीं जा रहा था मैं, वो कहीं जा रहा था पर्सनली, तो मिल गया उसे, तो वो यही कह रहे थे अगर मांस देखो नीचे उतरता है तो आप उससे मिल लेना, वैसे आप देखो घर वर पर नहीं जाना, ना ही आपको मिलना, क्योंकि वहाँ की जो अच्छी बात नहीं यार, अच्छी बात दरअसल ना, क्या बात है, अच्छी बात नहीं किसी को तंग करना, किसी को हम डिस्टर्ब करें, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हाँ अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक आप लोगों को भी इज्जत देगा, लेकिन खैर है किसी को डिस्टर्ब करने से, हाँ अच्छे अखलाक से मिला वो अच्छा लगा बस, हाँ लेकिन बस किसी को तंग ना करें, ये हम बस देखें। हाँ ठीक है, और वैसे मिलना था मुझे मां सफदर से भी मुलाकात करनी थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में मंडी वाले ब्लॉग में कहा था कि हम शाह सफदर से भी करनी थी, ठीक है, तो उनसे मिलके ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता, इनसे भी मिले हम, लेकिन ये आपको पता है डरमांडस मिंटस जो हैं वो वैसे भी ब्लॉग में चुपचाप ही रहते हैं, इतना बोलते हैं नहीं, लेकिन उनसे मिलके हमें ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ जी, जो बात है, क्योंकि वो जो दोनों यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक ब्लॉगर है और एक कंटेंट क्रिएटर है, चैलेंज वीडियो वगैरह देता है, तो इस तरह का सीन है। बाकी चलो जो हुआ अच्छा हुआ, और तुम लोगों ने देखा तो आए हैं ना, वो थोड़े हद से मजाकिया है, तो उनसे मिलने में बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन चाले क्या पता नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो जाए, घर दिख गया ना वैसे, घर तो हमें दिख गया, लेकिन क्या कहा था मैंने, आएंगे तो नहीं हम, नहीं वैसे कभी हमें काम हुआ इधर तो हम आ जाएंगे, नहीं एक बात है, मैंने आपको सही कहा था ना कि मुझे घर पता है कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, कि मैंने वो कहा था कि भाई यहाँ पे मुझे घर पता है, मैं वो दिखा सकता हूँ, नहीं बताएंगे आपको कि उनका घर ये नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो, घर के बाहर शॉर्ट लगे तमाचे लगे, और यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है इनका घर। तो सीन कुछ ऐसे थे कि उस टाइम में कल का व्लॉग आज एंड कर रहा हूँ, तो तुम लोगों ने देखा होगा पूरी सीरीज़ थी मुबशिर के पाँव की, कि उसके ऊपर लगी, पहले लगी ठीक है, फिर उसका फ्रैक्चर हुआ, एक्सरे करवाया वो भी तुम लोगों ने देखा, उसके बाद जो प्लास्टर हुआ वो भी तुम लोगों ने देखा, हाँ मैं एक और एक पहले हॉस्पिटल गया, वहाँ पर मैंने तुम लोगों को दिखाया क्या सीन था क्या नहीं था, लेकिन जब मैं जीना गया वो हालात नहीं थे जो मैं तुम लोगों को दिखाता, जो मैं तुम लोगों को बताता कि यार ये सीन ये है, तो उसका मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पर वीडियो बनाना, वहाँ पर व्लॉग बनाना, क्योंकि आलम मैं पहले गया था आलमगीर, पता नहीं क्या नाम था उस हॉस्पिटल का, तो उस हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर तो थोड़ा सा नॉर्मल था, तो मैंने व्लॉगिंग कर ली, मुझे नहीं इतना आइडिया हुआ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है अब कि मैंने जो पहले हॉस्पिटल में व्लॉगिंग बनाई वो भी गलत बनाई, क्योंकि हॉस्पिटल में व्लॉगिंग करना नहीं चाहिए, ना कि वो व्लॉगिंग करने की जगह है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर तरह का इंसान पाया जाता है, और वो किस हालात में होता है ये हमें नहीं पता होता कि यार वो क्या सोच रहा है, किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, किसकी माँ बीमार है, किसका बाप बीमार है, किसकी बहन बीमार है, किसका भाई बीमार है, तो ये एहसास मुझे नहीं था, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, उसके बाद आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप लोग भी मुझे माफ़ करना कि मैंने ये गलती की, आइंदा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये मुझे एहसास मुझे जीना जाकर हुआ, क्योंकि मैंने जीना भी मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं जीना भी बनाऊँगा, प्लस्तर होगा, मैं तुम्हें प्लस्तर भी दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने तीनों सीरीज़ दिखाई, चलो पहले तो अपना एक्सरे वगैरह वो नॉर्मल था, एक्सरे वो छोटी सी क्लिनिक थी, तो वहाँ पर मैंने एक्सरे दिखा दिया, वो अब हॉस्पिटल गया जीना में, जैसे मैं गया तो सामने से जैसे मैं इंटर हुआ मेन हॉस्पिटल एमरजेंसी वार्ड में गए थे हम, तो वहाँ पर सबसे पहले मैयत गुजरी, तो वो देखकर मैं हिल गया, क्योंकि मेरे भी वाले साहब नहीं हैं, वो वक्त मुझे याद आ गया जब मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक आसानी अता फरमाना, हम साथ लेकर जाएँ, कुछ ऐसा ना हो कि हम रो कर जाएँ, अबू को ऐसे लेकर जाएँ, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, फिर जिस तरह हुआ मुझे अजीब लगा वो मैयत देखकर, अल्लाह ताला जो भी वो इंसान था इंसान थी अल्लाह उसकी मगफरत अता फरमाए आमीन, उसे आला मकाम अता फरमाए, लेकिन बात ये है फिर मैं और आगे गया थोड़ा सा, फिर एब नॉर्मल बच्चा दिखा जो कि कम से कम 12 से 13 साल का था, उसकी माँ ने उसको पकड़ा होता है, एब नॉर्मल बच्चा माँ से थोड़ा सा इतना मतलब थोड़ा सा छोटा था, उसकी माँ ने पूरा उसको उठाया हुआ था, मुझे मैंने वो देखा, मैंने शुक्र अदा करा कि अल्लाह ताला ने हमें
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैदा कर रहा है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। नज़ला, ज़ुकाम, बीमारी, फीवर, टांगों में दर्द, ये चलता है। लेकिन दुनिया में इतने बड़े बड़े तकलीफ़ हैं, इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं जिसका आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं। बहुत तो उसके अंदर गए तो मुझे तब तक भी इतना नहीं हुआ। मैं चलो ठीक है, प्लस्तर वाले रूम में कोई होगा नहीं, लेकिन जीना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर रूम सेपरेट नहीं होते, वो अलग अलग होता नहीं है, बिल्कुल एक ही होता है, बस बीच में अपना कॉलम वाइज बनाए हुए होते हैं। तो उस वक्त फिर मैं अंदर गया जहाँ पर मुबशरी का प्लस्तर हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं गया तो यकीन करें आप, पूरी टांग जो होती है ना, पूरी टांग कटी हुई थी एक बंदे की। तो मैं हिल गया, मुबशर ने मुझे कहा कि अली तुम बाहर खड़े हो जाओ, मुझे वॉमिटिंग वाला सीन हो गया था कि मुझे उल्टी आ जाए, मैं ये चीज़ नहीं देख सकता, कान टांग कटी हुई और बंदा फटा हुआ है, खून ब्लडिंग हो रही है, ये चीज़ मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं वॉमिटिंग आ जाती, मैं नहीं देख सकता ये चीज़ें। तो मैं बाहर चला गया, फिर मुबशर के साथ अंदर गया, उसी जगह से गुजरा, मैं नज़रें नीचे करके गुजर गया, रूम आया, फिर रूम से मुझे बाहर कर दिया, बोल रहे हैं एक पेशेंट के साथ एक बंदा अलाउ है, उसके बाद नहीं। तो मैं बाहर खड़ा रहा, वो शायद मुबशर ने कहा था कि मैंने क्लिप बनाई, थोड़ी सी क्लिप मैं जोड़ देता हूँ अभी, वो तुम देखो। तो तुम लोगों ने देख ली होगी वो क्लिप। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी है, मुबशर का टांग पाँव पे लगी, किस तरह फ्रैक्चर हुआ, एक्सरे हुआ और प्लस्तर हुआ। और अब तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुबशर के लिए तुम कर रहे हो दुआ, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्त आयाब करे, जल्दी से ईद से पहले पहले उसे ठीक करे, और अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक से जो भी परेशान हाल है, जो भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, हमें नहीं पता, हम जानते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो तकलीफ़ हमारे ऊपर आई है ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अल्लाह ताला को पता है कि वो अपने बंदे पर उतनी तकलीफ़ डालता है जितना उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है, और हर इंसान को ये लगता है कि जो उसके पास तकलीफ़ आई है वो बस पूरी दुनिया से बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हर तकलीफ़ बड़ी होती है हर इंसान के लिए। तो अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें, परेशानियों को हल अता फरमाए, सबकी बीमारियों को दूर अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी सेहत याब करे, और जाना सब ने बस ये दुआ है अल्लाह से कि चलता फिरता अपने पास बुलाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तुम लोग करो लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा सा सैड सैड हो गई एंडिंग, चलो कोई नहीं, अगला जो व्लॉग है आएगा जानदार, तो तुम करो लाइक सब्सक्राइब शेयर। लाइक कर दूँगा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 कर दिया नहीं, अबे कर दो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, कुछ भी करो मुझे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ यार व्यूज़, थोड़े 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 खुशी हो रही है, बढ़ रहे हैं, लेकिन और बढ़ाओ, ठीक है, ओ काबिल।